चलो ठीक है सुनो। तो हमारा टॉपिक था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, ये ना था सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, है ना, हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, थोड़ा अगर नहीं समझ में आया था पिछले क्लास में तो हम छोटा सा बात समझा देते हैं फिर से कि कर क्या रहे थे हम लोग। हम लोगों ने लिया था अजीब सा शेप का एक बॉडी, ये ना था, उसके छोटे छोटे मास काटे थे जिसका वैल्यू हमने डीएम कह दिया था, और इस रेफरेंस लाइन से इसका डिस्टेंस आर ले लिए थे, हम आर ले लिए हुए थे और बोले थे कि हमको चाहिए इसका मोमेंट ऑफ मास। तो है ना, तो मोमेंट ऑफ मास निकाले थे ऑफ डीएम, क्या हो जाएगा आर डीएम। अगर हम पूछे तो टोटल मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा, सर इंटीग्रल ऑफ आर डीएम कर लीजिए। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बात। अगर हम पूछेंगे टोटल मास बता दीजिए इस बॉडी का, तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम कर लीजिएगा। बताए थे डीएम को जोड़े तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब फिर क्या बोले थे, अगर मान लेते हैं कि पूरा ही मास को यहाँ पर रख दे, जिसका हम कह देंगे एम टोटल, टोटल मास जो कि इंटीग्रल ऑफ डीएम होगा, यहाँ पर रख दे, और ये जो लोकेशन है हम आर सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। और अगर हम ऐसा कह दें कि आर सेंटर ऑफ मास इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएम हमारा आर डीएम के बराबर हो जाए, देन आर सीएम ही हमारा सेंटर ऑफ मास है। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा बात। ये नहीं कहते आर सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ऑफ आर डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम, किसी को डाउट है। और यहां से हमने बताया था कि एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम है, वाई सीएम जो है हमारा इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम है, और जेड सीएम जो इंटीग्रल ऑफ जेड डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फेयर, ये पहला बात तो हॉलो है, तो हॉलो मतलब इसके पास कहाँ होगा मास, किस में होगा मास, ऑन इट्स एरिया, इसके एरिया में मास होगा। कोई सवाल है किसी को। अगर हमको इतना बात पता है तो हम एक बात कह सकते हैं कि सर ये पहले हम डीएम कैसे काटे, तो हमने कैसे काटा इसको, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट करा। क्या सबको दिख रहा है, ऐसे ऐसे सोच के देखो कैसा कटेगा, ये फिगर कैसा होगा, रिंग टाइप का होगा क्या। अगर हम ऐसे ऐसे चाकू से ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट कर दें, क्या ये रिंग रिंग टाइप का होगा कि नहीं होगा, ये रिंग टाइप का कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये इधर से भी रिंग कटेगा, ऐसा, समझ रहे हो आपको। तो बेसिकली अगर हम ये कह दें कि भाई सर इसका एरिया कितना होगा, तो पहले एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर कितना होता है, एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर कितना होता है बता दो, कितना होता है सर, 2πr का स्क्वायर होता है क्या, पढ़े हैं ये बात, पढ़े हो ना, हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया 2πr² स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अरे भाई हेमिस्फेयर का एरिया 2πr² होता है ना, सबको पता है ना। हाँ, अगर हमको इतना बात पता है तो हम एक काम करें क्या कि हम इससे किसी भी, है ना, यहाँ पर ना, इस जगह पर हम बात करते हैं, एक छोटा सेक्शन काट लेते हैं, है ना, एक छोटा सा ये वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना होगा, अगर ये आर है तो ये लेंथ कितना होगा आर डी थीटा, है ना, और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा एंगल है, बात समझ रहे हो। अगर सोच के देखो, अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले तो पहला ये वाला रिंग कटेगा, इसके लिए थीटा लगभग वो 0 होगा होगा, और जो ये रिंग जो लास्ट वाला कटा होगा उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा वेरी कहां से कहां तक कर सकता है, इस तरह से रिंग काटेंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। क्या सबको समझ में आया, क्या इतना बात सबको समझ में आया, ठीक है। तो अगर हमको समझ में आ चुका है, देखो यहाँ पर जो हम काटे हैं, क्या ये फिगर दिख रहा है सबको अभी पूरे अच्छे से, जो हम काटे हैं ये सीन अब अच्छे से दिख रहा होगा तुम लोग को, अच्छे से है ना। तो हमने इसी तरह का ना रिंग काटा था पीछे, जो पीछे था इसी तरह का ना एक सेक्शन हम निकाल लिए इसी में से। क्या ये लेंथ हमको पता है कि आर डी थीटा होगा, क्या यहां तक तो पता है ना हमको अब तक, और ये एंगल हमने कह दिया था सर थीटा है और ये एंगल है हमारा डी थीटा, ये रेडियस आर है, तो बता दो इस सेंटर से यहां से यहां तक का जो लोकेशन होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये आर कॉस थीटा होगा हरिशंकर, और यहां से ये लेंथ कितना होगा आर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा।
अगर हम ये देखें, ये सेंटर है, ये जो हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं तुमको, ये वाला जो फोटो जो काटे थे उसको हम बाहर निकाल के दिखा रहे थे, क्या तुम लोग को दिख रहा है अच्छे से रिंग? क्या बाहर में अच्छे से दिख रहा है रिंग? ठीक है, ये देखो रिंग कट रहा है क्या ऐसे? तो ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है? अगर ये थीटा है और ये एंगल डी थीटा है, तो क्या ये लेंथ जो है यहां से तक का जो लेंथ है ये हमारा आर कॉस थीटा है क्या? और ये लेंथ हमको पता है कि आर साइन थीटा है कि नहीं है? अब तो अच्छे से दिख रहा होगा ना तुम लोग को। और ये हो गया विड्थ आर डी थीटा। अगर हम इसको अच्छे से काटें, यहां से ऐसे करके हम कैची से काट देते हैं ऐसे, तो इसको अगर खोल दें ऐसे करके ऐसे, क्या तुम लोग को दिख रहा होगा इसका लेंथ कितना होने वाला है? इसका लेंथ कितना होगा बताओ तो? 2 पाई आर होगा क्या है? यानी कि 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि इसका रेडियस तो आर साइन थीटा है ना, तो 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा लेंथ। अब इसका विड्थ है आर डी थीटा कि नहीं है? इसका विड्थ कितना है? आर डी थीटा। समझ में आ रहा है बात की नहीं आया? तो क्या इसका एरिया दिख रहा है क्या सबको? जो स्ट्रिप काटे हैं इसका एरिया दिख रहा है क्या? डीए 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बता आ रहा, बता जल्दी से, यहां तक सबको दिख रहा है? हेलो, जो स्ट्रिप काटे उसका एरिया निकाल लिए। अब ये एरिया क्यों निकाले? क्योंकि हमको पता है कि सर 2 पाई आर का स्क्वायर है ना ऑफ एरिया हैविंग मास इक्वल टू कितना? 2 पाई उसका के वजन एम है ना, इस एरिया का वजन कितना? देन 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा हैविंग मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम टाइम्स ऑफ 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा बाय एम। क्या हम इसी को डीएम कह दें? क्योंकि इसी का तो वजन डीएम है। क्या इसी का मास ना डीएम है कि नहीं है? डीएम बराबर क्या हो जाएगा? क्या गड़बड़ कर दी तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो जी, कुछ गड़बड़ किया है ना हम यहाँ पर? यहाँ पर एम क्यों लिख दिया? पायर स्क्वायर बाय, सॉरी 2 पायर स्क्वायर होगा ना, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, r² से r² खत्म, तो एम तो रह गया ना, एम साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या सही है यहां तक? हेलो, क्या यहां तक सबको दिखा? गुड, अब आगे बात करते हैं। तो हमको निकल गया डीएम। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस, क्या चाहिए बताओ? वाई सेंटर ऑफ मास ना, क्योंकि वाई में होगा ना सेंटर ऑफ मास। अरे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है? एक्स में तो नहीं होगा, कहीं वाई पर ना होगा, सिमेट्रिकल इधर ही ना मिलने वाला है वाई पे, हम बात करेंगे y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? y dm by इंटीग्रल ऑफ dm। तो y का वैल्यू कितना होगा सोच के देखो, इस रिंग का y कितना है? r cos थीटा है क्या? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां पर है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? r cos थीटा। नंदिनी समझ में आ रहा है रे, जो रिंग काटे हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? r cos थीटा पर, तो वही उसका y हो जाएगा। इसका वाई लोकेशन कितना हो गया? आर कॉस थीटा, सही है क्या? और डीएम के जगह पे कितना है? एम साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय टोटल मास एम। तो एम से एम कट गया 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। एक काम करें क्या, इसको 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। याद है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा होगा हमको, है ना? यहां से हो गया आर बाय टू है ना, और अंदर में हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना? है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। अगर हम यहां सॉल्व करें तो आर बाय टू साइन 2 थीटा हो गया क्या? ये साइन 2 थीटा हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर बाय टू साइन थीटा का माइनस में कॉस 2 थीटा बाय 2, याद है? अरे बोलो जी, कुछ तो नहीं बोलते तुम लोग। आर बाय फोर माइनस में कॉस 180 डिग्री प्लस में कॉस 0 डिग्री, क्या बचा? आर बाय फोर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, है ना?
यानी हो गया आर बाय फोर इंटू टू, तो आर बाय टू। सोनल कौन तकलीफ, क्या सवाल सबको समझ में आया यहां तक? हॉलो हेमिस्फीयर कैसे निकाले हम सेंटर ऑफ मास, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकला सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ा जाए। हरिशंकर हाँ, सेमी सर्कुलर डिस्क का। अच्छा ठीक है, अरे यार ऐसे करेंगे तुम। अच्छा ठीक है, बात बता दें इसी में बता दो, थोड़ा आगे खींच लेते हैं। ठीक है, पहले इसको इसको देख लो, पहले इसको देख लो ध्यान से। ये है अब हमारा नेक्स्ट है सॉलिड हेमिस्फीयर। इस बार क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। अगर ये सॉलिड है तो इसके पास वजन कहाँ होगा बताओ, तो मास इन इट्स वॉल्यूम। क्या इसके वॉल्यूम में मास होगा कि नहीं होगा? इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम इसको काटना स्टार्ट करते हो, कैसे काट रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है देखना। ये नहीं कि तुम लोग ऐसे काट लेना ऐसे ऐसे, है ना, ये जैसे भी पीछे डिस्क काटे थे वैसे नहीं काटना, हम ऐसे काट रहे हैं। देखो ध्यान से दिख रहा है क्या, कैसे कट रहा है, दिख रहा है? ये हॉलो हेमिस्फीयर बहुत सारा कट रहा है क्या? इमेजिन करके देखो कि हॉलो हेमिस्फीयर काट रहे हैं क्या? हेलो, ये तुम लोग को दिख रहा है कि होलो हेमिस्फीयर कट रहा है, बहुत सारा होलो हेमिस्फीयर। ये कटोरा के अंदर में कटोरी टाइप का नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? कटोरी के अंदर में कटोरी, कटोरी के अंदर में कटोरी, है ना? हाँ, तो ऐसे ही काट रही है। ठीक है, और ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि हमको एक एक, अभी एक एक का हमको सेंटर ऑफ मास पता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? R by 2 पर। अगर हम मान लें किसी x डिस्टेंस पर जा करके x एक्शन के बारे में बात करें, इसका x by 2 पर सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? तो पहले बात बताओ इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बता दो, कितना होता है? 2 by 3 pi r का क्यूब, याद है वॉल्यूम कितना होता है? 2 by 3 pi r का क्यूब होता है ना। और जो कैसा काटे हम ना, हमने हमने जो एलिमेंटल क्या काटा है, एलिमेंटल होलो हेमिस्फेरिकल, है ना, मास काटा है। क्लियर है बात? और दूसरा दिख गया ना तुम लोग को, बुलंद रे कुछ। हाँ सर जी, आप फरमाइश कीजिएगा और हमने करेंगे। अब दिख रहा है? अरे आप तो दिख रहा होगा। हाँ, अगर अगर हम यहां से ले ले किसी x डिस्टेंस पर जा करके थोड़ा एकदम पतला ऐसा dx विड्थ का एक सेक्शन काट लेते, क्या इसका सेंटर ऑफ मास कह सकते हो कि ये जो लोकेशन होगा वो ये होगा x by 2 होगा कि नहीं होगा बता दो तो इस वाले का। और अगर हम पूछें कि इसके पास क्या होगा, तो सर ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान से कैसे कैसे दिख रहा है, एक कटोरी का थिकनेस टाइप का नहीं लग रहा है? तो dx क्या है बोलो तो, थिकनेस ऑफ कटोरी कह सकते कि नहीं कह सकते, थिकनेस ऑफ कटोरी। अरे बोलो ना, हाँ है ना। अच्छा इसका एरिया कितना होगा बता सकते हो, इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फीयर कितना होने वाला है बताओ जल्दी से, कितना होने वाला है? तो 2 पाई एक्स का स्क्वायर होने वाला है क्या? देखो ध्यान से, इसका इसका अंदर का एरिया कितना होगा? 2 पाई एक्स का स्क्वायर होगा क्या? अरे रेडियस अगर एक्स है तो 2 पाई एक्स का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका एरिया, एरिया एरिया अंदर से अगर तुम ऐसे पेंट करोगे तो कितना मिलने वाला है? 2 पाई एक्स का स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसको इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लें तो हमको इसका वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आएगा? वॉल्यूम ऑफ
एलिमेंटल, ये छोटा है इसलिए चलेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे, हल्का फुल्का चलता है, ठीक है, एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम कितना होगा, ये जो एरिया बनने वाला है, ये तो सपोज करो कि हमने ये जो पूरा कटोरी मिला है ना, उसको ठोक ठोक करके पूरा पत्ती बना दो, समझ में आ रहा है बात, ऐसे चपटा कर दो। इसका एरिया 2π² है, उसका थिकनेस कितना है, dx है कि नहीं है, अभी समझ में आया बात कि नहीं आया, इसका एरिया कितना है बोलो तो, 2π² और थिकनेस कितना है इसका, dx, तो 2π² into dx, क्या एरिया इंटू डी एक्स होगा मोटाई, अरे बोलो बे, ये थिकनेस है, इसका थिकनेस कितना है, dx ही है ना। सपोज करो जो कटोरी कटोरी मिल रहा है बहुत सारा तुमको, तुम लोगों को दिख रहा है कटोरी बहुत सारा है, तो उसको अगर हम ऐसे ऐसे ले कटोरी को और ऐसे करके देखो यहाँ हमारे हथौड़ी से ऐसे करके, तो अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो इसका डी भी वॉल्यूम कितना हो गया, 2π² इंटू डी एक्स। तो हमको पता है कि सर एम 2/3πr³ having mass equal to m, क्या सही है क्या, इसी का ना वजन m था कि नहीं था, इसी वॉल्यूम में ना वजन है m, then 2π x² into dx का वॉल्यूम वजन कितना हो जाएगा, m times of 2π x² into dx by 2/3πr³। यहां तक कोई सवाल, तो 2 से 2 पाई खत्म हो गया, तो बचा क्या, 3mx² इंटू डी एक्स बाय आर का क्यूब, ये हो गया कि नहीं हुआ, तो ये हो गया dm, तो देन dm बराबर क्या हो गया, 3mx² इंटू डी एक्स बाय आर का क्यूब, ये हो गया dm, और हमको चाहिए y सेंटर ऑफ मास, तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ y dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm, यानी कि जो कि वजन m हो जाएगा, और y कितना होगा, x by 2, dm के जगह पे कितना, तो 3mx² into dx by r का क्यूब by m। अभी ध्यान सुनो कि y के जगह पर हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से, x by 2 कैसे लिख दिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है इसका, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो एलिमेंटल स्फीयर, बात समझ में आया कि नहीं आया, उसका सेंटर ऑफ मास है, इवन जैसे से हम काटते हैं सेंटर ऑफ मास ऊपर भागते जा रहा होगा, अरे जैसे से मान लो कि हम एक सेक्शन काटते हैं ये वाला, इसके बारे में बात करें, सेंटर ऑफ मास यहां होगा ना, बड़े वाले के लिए सेंटर ऑफ मास यहां होगा, थोड़ा और बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास ऊपर, तो जैसे से x बढ़ रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर भाग रहा होगा, तो कौन मूव कर रहा है y में, सेंटर ऑफ मास यानी x/2 भाग रहा है x की जगह पे, y की जगह पे हम लिख देंगे, बाकी m से m कट गया, तो क्या बचा, देखो ध्यान से, 3/2 x तक नीचे r का क्यूब हो गया, x 4/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 3r/8 y सेंटर ऑफ मास, किसी को तकलीफ, अरे उड़ गए तुम लोग के यार, ऐसे करोगे 3r पुट करोगे ना, रे r 4 r 4 2 जा 8 r का क्यूब, तो क्या करोगे, ये होगा 3r/8, तुम लोग के तो बैंड बज गए रे, यहां तो ठीक है, अच्छा देखो पूरा कहानी सिर्फ इतना है, हमको y निकालना है, dm निकालना है, पुट करना आंसर आ जाता है ना, चलो ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो अगला, हेलो कौन, हेलो कौन नहीं, हेलो कौन, हम बोल चलो सही, एच दिख रहा है क्या, अरे हरिशंकर क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसा कटा होगा, रिंग कटा होगा ना, क्या अब तक तो तुम लोग को दिख रहा होगा ये हॉलो है तो रिंग कटा होगा, ये रिंग है ना जी,
इसका रेडियस आर मान लेते हैं, इसका एंगल थीटा बोल लेते हैं, यहां से हम एक्स ले रहे हैं, ऐसे करके जैसे काट रहे हैं ध्यान से देख लो ऐसे ही काटना है तुमको भी। अब ऐसा क्यों काटे, क्योंकि हमको पता है कि एरिया इसका होता है पाई आर एल, याद है, अगर इसका स्लांट हाइट एल है तो। अरे कौन का हाइट एल हो, स्लांट हाइट जो तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं तिरछा वाला, इससे वाला वो एल ही तो है कि नहीं है, स्मॉल एल। क्या समझ में नहीं आया? हेलो, अगर हम बोलते कि स्मॉल आर है, यहां से तक लेंथ आर है, तो ये जो एरिया कटा होगा, तो इस एरिया के बारे में बात कर सकते हैं क्या? ये जो काटे होंगे एरिया, इसका रेडियस आर है क्या? और इसका थिकनेस कितना है? डीएक्स है क्या? तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना होने वाला है? इसका लेंथ यानी कि 2 पाई आर इंटू चौड़ाई डीएक्स। क्या सही लिखे क्या? समझ गए यहां तक? इसका लेंथ इंटू चौड़ाई है ना। अब बाकी अब क्या करेंगे, हमको चाहिए इसका वजन। एक बात, दिक्कत क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम रिंग काट रहे होंगे तो रेडियस ऊपर नीचे भाग रहा होगा और एक्स भी भाग रहा है, यहाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल पर इंटीग्रेशन काम नहीं करता, डिफरेंशिएशन काम नहीं करता। दिमाग बैठा, पहला बात सुन लो, फिर से बोल रहे हैं, दो वेरिएबल है यहाँ पर, जैसे जैसे रिंग काट रहे होंगे वैसे रेडियस बढ़ रहा होगा। यहाँ पर रिंग काटेंगे तो रेडियस छोटा होगा, रेडियस बढ़ते जाएगा आगे आगे, है ना, और साथ ही साथ एक्स भी भाग रहा होगा। तो यानी कि ये दोनों का दोनों वेरिएबल है, दो वेरिएबल पे काम नहीं कर सकते। तो छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा नहीं बदल रहा है पूरे कहानी में। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो टेन थीटा नहीं, टेन थीटा नहीं, क्या निकाला जाए बता, दोनों में कौन सा रिलेशन लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हिपोपोटामस साइन थीटा है क्या? साइन थीटा हो जाएगा ना आर बाय एक्स, अरे बोल रहे हाँ, तो आर बराबर क्या हो गया, एक्स साइन थीटा हो गया ना, अरे बोल रहे कुछ नहीं बोलना है। जो डीए आने वाला है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के जगह पे एक्स साइन थीटा इंटू डी एक्स, ये हो गया डीए। तो अगर हम पूछें कि डीएम कितना हो गया, तो वजन कितना होगा सर, पूरा वजन बाय पूरा एरिया पाई आर एल इंटू इसका एरिया 2 पाई एक्स साइन थीटा इंटू डी एक्स। क्या ये अब हम सीधा लिख सकते हैं क्या कि सर पाई आर एल का वजन एम है तो 2 पाई साइन थीटा इंटू डी एक्स का वजन कितना होगा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं आप क्या? अरे बोलन रे, अभी तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, पाई से पाई कट गया, कौन कहां से, यहां से कि पूरा शुरू से? साइन थीटा हम क्यों निकाले, क्योंकि देखो एक्स और आर दोनों बदल रहा होगा, है ना, क्या नहीं बदल रहा है, थीटा ही ना नहीं बदल रहा है, सोच के देखो कोई भी कंडीशन हो थीटा तो ही रहने वाला है ना, थीटा जो है वो तो वही रहेगा, थीटा नहीं बदलने वाला। साइन थीटा का वैल्यू आर बाय एक्स निकाल लिए, यहाँ से हम आर निकाल दिए ताकि हम आर को इसमें पुट कर दें। देखो पूरा का पूरा पिक्चर में सिर्फ वेरिएबल कौन रहा, सिर्फ एक्स रहा क्या, आर गैप करती है, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, क्लियर है यहाँ तक? तुम चाहो तो ये साइन थीटा के जगह पे तुम लिख सकते ये सर आर और ये एल, है ना, वो भी चलेगा, आर बाय एल भी चलेगा, ठीक है, तो हम बाद में पुट करेंगे ही यहाँ से, ठीक है तक? तो डीएम क्या हो जाएगा, एम बाय, है ना, सॉरी 2m एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, आर बाय एल इंटू डी एक्स बाय आर एल, यान हो गया, यान हो गया डीएम। तो डीएम का वैल्यू क्या हो गया, 2m आर से आर खत्म, है ना, एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया डीएम, क्लियर है बात? और इसका y कितना होगा, देखो तो ये y लोकेशन कितना हो गया, x का cos थीटा, ये हो गया। अगर हम पूछें y सेंटर ऑफ मास कितना है, तो इंटीग्रल ऑफ y dm by m, तो y के जगह पे क्या लिख देंगे, x का cos थीटा into dm के जगह पे 2m by l square into x into dx by m, m से m कट गया, जीरो से एल तक का जाएगा वैल्यू।
है ना। तो यहाँ से गया टू और कॉस थीटा बाहर ही आ गया, बाय एल का स्क्वायर ही बाहर ही आ गया, टू अंदर में बच गया एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स जीरो से एल तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से टू। अच्छा कॉस थीटा कितना होगा बताओ तो, कॉस थीटा बेस बाय हिपोपोटामस यानी कि एच बाय एल होगा ना। अरे कॉस थीटा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एच और ये एल दिखा सॉरी है ना। तो कॉस थीटा जब एच बाय एल लिख दिए नीचे में हो गया एल का स्क्वायर, यहां पर हो गया एल का पावर 3/3। ठीक है, तो यहां से एल का स्क्वायर से एल स्क्वायर कटिए गया, क्यूब भी कटिए गया, क्या बचा 2h/3 बच गया। कहां से, फ्रॉम टॉप, अरे ये वाई तो हम ऊपर से लिए थे, तो फ्रॉम बॉटम कितना हो जाएगा, बॉटम से कितना आएगा, अरे ये अगर 2h/3 हुआ यहां से अब तक का लेंथ कितना हो गया 2h/3, तो बॉटम से कितना ऊंचा हुआ h/3 ना। अरे यार इतना तो समझ में आता होगा तुम लोग को, मैं टॉप से ऊपर से 2h/3 तो नीचे से कितना h/3 हुआ ना। क्लियर है यहां तक, क्या यहां तक तुम लोग को समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। देखो कितना सारा स्लाइड है, आज तो सारा नहीं पढ़ाएंगे ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, सारा हो जाएगा आज, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, करा इसको करा जाए, इसको हम तुम लोग के ऊपर छोड़ दें क्या हल्का फुल्का करके। अरे बोलो ना जी, सॉलिड कौन सर, हमारे ऊपर इतना भरोसा मत कीजिए, हम गाड़ी उल्टा देंगे, बोलो सही बात। और ये डी वाई सही है क्या, इसको थिकनेस कर देते हैं डी थीटा, इसका स्लांट हाइट एल और इसका ऊंचाई है एच। सबको समझ में आया, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर इसका वॉल्यूम जो होता है, ये जो आवाज जितना करता है ये 1/3 πr का क्यूब होता है, सॉरी πr स्क्वायर इंटू एच होता है, क्या सबको पता है ये बात, बोलो जी। और ये जो डिस्क काटे होंगे बोलो सही है क्या, ये एलिमेंटल डिस्क काटे है ना, ये डिस्क टाइप का होगा कि नहीं होगा सोनल, समझ में नहीं आ रहा है रितु, अंशु बाबू। अच्छा इसका 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 वॉल्यूम कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये आर लेंथ है, तो इसका एरिया कितना होने वाला है पाई आर का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना डी वाई, ऐसा हो जाएगा ना, ये जो डिस्क काटे हैं इसका ऊंचाई है ये डी वाई, ठीक है, इसका रेडियस है आर, फिर से थीटा कर लेते हैं, तो यहां पर से आर और वाई दोनों बदल रहा होगा ठीक है, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया हो गया इतना, एरिया इंटू हाइट, तो ये जो डी भी हो जाएगा, क्या लिख देंगे इसको छोटा सा वॉल्यूम, इसका मतलब डीएम कितना हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1/3 πr का स्क्वायर इंटू एच इंटू इसका वॉल्यूम यानी कि पाई आर का स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है बात, पाई से पाई खत्म हो गया, 3m r² इंटू डी वाई बाय r² एच, यहां तक ठीक है। अरे बोलो रे कुछ तो बोलो, टेन थीटा का वैल्यू आर बाय वाई हो गया, आर अच्छा टेन थीटा का वैल्यू आर बाय वाई है, बेसिकली वो आर बाय एच भी तो है ना, तो हम यहां से आर के जगह पे क्या लिख देंगे, आर के जगह पे वाई आर बाय एच है ना, इसको यहां पुट कर लो तो क्या निकल जाएगा, डीएम निकल जाएगा, डीएम का वैल्यू कितना हो गया 3m r² 3m r² इंटू डी वाई बाय r² एच बराबर हो गया 3m r² एच इंटू डी वाई, आर स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा 3m y का स्क्वायर डी वाई बाय एस का क्यूब, यानी क्या डीएम,
अब y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, y dm by टोटल मास m, और y के जगह पे कितना हो जाएगा, ये y कितना होगा, ये y देखो तो यहां से y y y y y y का वैल्यू क्या दिख रहा है, y का वैल्यू y ये रहने दो ना, काहे के लिए y में तो वेरिएबल है ये, क्यों y का टेंशन लें, y में रहने दो इसको, ठीक है, y में है ही ना ये पूरा मामला, तो y dm के जगह पे इतना 3m y का स्क्वायर इनटू dy बाय h का क्यूब, ठीक है, बाय 1 बाय m, m से m खत्म, क्या सॉल्व हो गया क्या, अरे बोलो ना रे, 3 बाय h का क्यूब y पे पावर 4 बाय 4 है ना, तो क्या बच गया 3h बाय 4, कहां से, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम क्या होगा h बाय 4, अरे ऊपर से 3h बाय 4 है नवाजीस बाबू, आपके तो बैंड बज गए सर जी, और आपको नीट में इसीलिए तो बैंड बजा हुआ है आपका, एग्जाम में नीट में सीधा सीधी क्वेश्चन रहेगा कि इसका बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, खत्म, ठीक है, और पूरा प्रूफ बता दिए, किसी को तकलीफ है बताओ यहाँ तक, क्या सारे सवाल में किसी को तकलीफ, अरे अब तो समझ में आ गया वो कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, बोल रहे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बार रिकॉर्ड हो रहा है ना रे, ओ प्रभु देवता आदमी, हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, 35 मिनट रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो मतलब YouTube पर भी जाएगा, दो तीन बार प्ले कर करके देख लेना, ठीक है, अब आगे बढ़े, सर बोलो रे, अगला टॉपिक हमारा लेंथ सेंटर ऑफ मास है, क्या है, लेंथ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सुनो, अभी तक क्या था कि हमारे पास, हेलो, ऐसे ही सब पढ़ा चुके हैं क्या, लेंथ सेंटर ऑफ मास, लेंथ लैम्डा सिग्मा रो ये सब पढ़ा चुके हैं क्या, पढ़ा दिए थे ना, तो डिलीट कर देने सबको, अरे बोल रहे, हाँ झुट का टेंशन कह दे रहे, अरे सही है ना, हेलो पहले ना बोल रहे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब बता, इसको लेमडा से डोट करते हैं, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, लेमडा को, तो लेमडा क्या हो जाएगा, इसका मान लो छोटा सा वजन हमने काट लिया डीएम, और इसका लेंथ हो गया डीएक्स, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा मास, छोटा सा मास बाय छोटा सा लेंथ, ठीक है यहां तक, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू डीएक्स, क्लियर है यहां तक, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, है ना, पूछ दिया फाइंड मास, अगर लेमडा का वैल्यू लिखा है 4 प्लस 3x, ठीक है, ऑफ लेंथ x इक्वल टू 5 मीटर का दे दिया है, तो बता दो कि इसका कह रहा है कि बताओ वजन कितना है, हमको पता है क्या कि dm बराबर क्या होता है, लेमडा dx ये होता है, लेमडा के जगह पे क्या लिख देंगे 4 प्लस में 3x इनटू dx, तो इसको क्या करें दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, m बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3x का स्क्वायर बाय 2, यानी जाएगा 0 से लेकर के 5 तक बन जाएगा क्या, अरे अब तो बन जाएगा सिंपल है, अगर हम कहते एरिया सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं कोई भी एरिया वगैरह दिया हुआ है ना ऐसे करके, ठीक है, एरिया देकर रखा, तो अगर हमको कहते हैं सिग्मा है ये, तो सिग्मा मान लो कि इसका डीएम है, इसका एरिया डीए कर लेते हैं, तो सिग्मा जो होता है ये होता है मास पर यूनिट एरिया, यानी कि डीएम बाय डीए, ठीक है, ये हो गया सिग्मा, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डीए,
क्लियर यहां तक? अगर इसी में एग्जांपल पूछते हैं, अगर सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है हमको के एक्स स्क्वायर है ना, देन फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, सॉरी फाइंड मास है ना, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस आर, ठीक है। कह रहा है सिग्मा दिया हुआ है, कह रहा है वजन बता दो। तो वजन के बारे में क्या ख्याल है? तो मान लो सर्कुलर डिस्क है, सुनना ध्यान से, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का सिग्मा और लिखा हुआ के एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक्स जगह पे जाकर छोटे छोटे सेक्शन काटेंगे। क्या याद आया तुम लोग को अब तक इतना बात? और ये डीएक्स हो जाएगा, इसका वजन क्या लिखेंगे याद करो, इसका डीएम कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू डीएक्स, अरे होगा ना रे। और इसका लेंथ 2πx, ये ना होगा, अरे ये तो चौड़ाई हुआ ना, लेंथ कितना होगा 2πx, तो 2πx इंटू डीएक्स करेंगे तब ना एरिया आएगा। अरे ना हो गया, तुम लोग का भूकंप आ गया क्या, ये समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, कैसे समझ में आया सर, पैसा पूरा आदमी है समझने का गारंटी थोड़ी ना। राधे राधे। एक्स जगह पर गए, देखो ध्यान से, हेलो, अरे बोल, हाँ एक्स जगह पर जाकर के छोटे छोटे डीएक्स काट लेंगे है ना, अभी ना काट रहे थे ऐसे करके। इसका एरिया कितना होगा, डीए कितना होगा, क्या बोलोगे सर, 2πx इंटू डीएक्स होगा इसका एरिया। डीएम बराबर क्या बताया था, सिग्मा डीए, तो सिग्मा कितना लिखा हुआ है के एक्स का स्क्वायर, डीए की जगह पे 2πx इंटू डीएक्स, तो वजन कितना होगा सिग्मा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड, तो डीएम का वजन है सिग्मा, सॉरी सिग्मा का है, क्या क्या कॉन्स्टेंट है पकड़ के बाहर निकालो जल्दी से, के है ना, और 2π बाहर आ गया, एक्स का पावर 3 है ना, सो 4/4 हो जाएगा 0 से आर तक, तो क्या बचा 2π के आर पावर 4/4 है ना, जगह पाई के आर पावर 4/2 आंसर। क्लियर नहीं समझ में आया जल्दी बताओ, ठीक है। इस तरह से हमको अगर कोई वेरिएशन ना, ध्यान से ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये था बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, और ये है भी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो बोल रहे। मान लो कोई बॉडी दिख रहा है क्या आप अच्छे से, इसका वजन हो गया डीएम, इसका हो गया रो है ना, तो क्या कर देंगे बता दो, तो रो बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो हो गया डीएम बाय डीवी, तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा रो डीवी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरे तुम लोग का बैंड बज गया, गिरे, कैलकुलेट मास ऑफ ए सॉलिड, सुनना ध्यान से, सॉलिड स्फेयर ऑफ डेंसिटी के आर का स्क्वायर, ठीक है, हैविंग रेडियस इक्वल टू आर। अगर कह रहे हैं कि एक सॉलिड स्फेयर है, कोई सॉलिड स्फेयर है, ध्यान सुनना, एक सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस इसने देकर रखा है आर, अंशु अंशु हाँ सुनो, समझ में आ रहा है बात, अरे अभी तो जो पढ़ा टॉपिक का नाम खाली ऊपर में गलती लिखा हुआ था, हम सही कर दिए अब, ठीक है ना, यहां तक कुछ नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे ऐसे करेगा, किसी आर जगह पे गए छोटा छोटा स्फीयर काटेंगे ऐसे ऐसे, दिख रहा है क्या तुम लोग को, अब धीरे धीरे करके आइडिया आ रहा है क्या, ये सब डी आर काट देंगे, इसका क्या होगा एरिया कितना होगा 4πr² होगा क्या, और चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे डी आर से तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या, तो डी भी क्या हो जाएगा 4πr² का स्क्वायर डी आर एंड डी भी हो गया। अगर हमको चाहिए डी एम, तो डी एम बराबर क्या हो जाएगा के आर का स्क्वायर इंटू 4πr² का स्क्वायर इंटू डी आर, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो वजन आ गया 0 से r तक, क्या समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल, अब सुनना ध्यान से, लेंथ सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करते हैं, ये क्या है,
मान लो कि मेरे पास अगर एक रॉड दिया हुआ है ना, जिसका लेंथ है L1 है ना, और इसका वजन भी दिया हुआ है M1, दूसरा रॉड भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ है L2, इसका वजन है L2, ठीक है, दो को रॉड रख देकर इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, अगर बोथ आर यूनिफॉर्म रॉड है ना, क्या ये, इफ बोथ हैविंग सेम, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट ठीक है, देन एक्स सेंटर ऑफ मास तब लिखेंगे M1L1, ठीक है, सॉरी M1L1 नहीं, L1X1, क्या लिखेंगे इसको, L1X1 प्लस में L2X2 बाय L1 प्लस में L2। उस तरह से वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, L1Y1 प्लस में L2, अरे बोलना सीखो रे, L1 प्लस में L2। Z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, L1Z1 प्लस में L2Z2। ये ट्रिक बता रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन करने का दूसरा भी तरीका है, जो नॉर्मल तरीका जो हम लोग सीखे हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का, वैसे ही बना लेंगे। लेकिन अगर दोनों का एक जैसा रॉड रहे, दोनों का दोनों सेम मास पर यूनिट लेंथ रहे, तो हम सीधा सीधे हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर सेम तरह का रहेगा तो जो पहले पढ़े हुए M1R1 पढ़े हैं ना, अरे एक्स सेंटर ऑफ मास में पता है ना सबको, M1X1 प्लस में वही लगाएंगे, एकदम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर सेम रहा, सेम तरह का रोड रहा, तो हम डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इफ टू एरिया हैविंग सेम, ठीक है, एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, देन तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखाएगा, A1X1 प्लस में A2X2 बाई A1 प्लस में A2। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, A1X1 प्लस में A2 बाई A1 प्लस में A2। और जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, A1Z1 प्लस में A2Z2 बाई A1 प्लस में A2। उसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि ना, टू बॉडी हैविंग डेंसिटी सेम, ठीक है, देन क्या लिखा है बता दो, एक्स सेंटर ऑफ मास रो 1, रो नहीं, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम V1X1, क्या लिखेंगे इसको, V1X1 प्लस में V2X2 बाय V1 प्लस में V2। क्या सिमिलर सा चीज आएगा, इस एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे दिस सेक्शन, है ना, इसका कह रहा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर लेमडा सेम दिए हैं तो, ठीक है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका वजन एम दिया हुआ है, इसका भी लेंथ एल, इसका वजन एम दिया हुआ है। अब सुनना ध्यान से कैसे बनेगा, अब ध्यान से सुनो सब कोई, ठीक है, एक जो अभी हम ट्रिक यूज किया और एक जो कि तुमको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हम उसे बना सकते हैं। सबसे पहला बात बताओ, ये जो लेंथ है ना, दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला तो बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा क्या इस रॉड का, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा क्या इस रॉड का, अरे बोल रही है, अरे इतना समझ रहे हो, जो एल लेंथ का है इसका कोऑर्डिनेट कहाँ होने वाला है, एल लेंथ वाले का कोऑर्डिनेट कहाँ होने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट, अरे बोलन जी, इस लेंथ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट होगा L/2, सही लिखे क्या, हेलो, और दूसरे एल का कितना कोऑर्डिनेट होगा, एक्स में होगा L/2,0, क्या सबको समझ में आ रहा है यहां तक बात। अगर हम पूछें कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, L1X1 प्लस में L2X2 बाई L1 प्लस में L1 कितना, L इंटू दूसरे का 0, दूसरे का L इंटू L/2 बाय एल प्लस एल, क्या सही है क्या, एल स्क्वायर बाय 2 × 2L, यानी कि हो गया L/4, है ना, क्या सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बता तो, L × L/2 प्लस में L × 0 बाय एल प्लस में L, यहां से हो गया L/4, क्लियर है यहां तक। ये हो गया मेथड नंबर वन जो भी हम सिखाए। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो तुमको जो पता है वही वही लगाओ, क्या हम पढ़े बताओ तो, एक्स सेंटर ऑफ मास
दूसरा तरीका से कि सर इसका वजन कितना है ये बताइए, तो वजन क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेंथ। अभी बताए ना इसका वजन कितना होगा, लेमडा इंटू एल, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास 0, L/2। यहां तक सही है क्या? और दूसरे का वजन कितना है जो m1 है, और ये m2 का वजन, लेमडा इंटू एल, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, L/2, 0। क्या ये सबको समझ में आया, लेमडा एल कहां से आया? अभी ने बताए हैं कि लेंथ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, लेमडा बराबर वजन पर यूनिट लेंथ। तो वजन बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू लेंथ ना। अरे यार लेमडा बराबर मास पर यूनिट लेंथ होगा ना जी, तो वजन बराबर लेमडा इंटू एल नहीं होगा। अरे बोलो ना रे, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग, इतना आ गया ना। तो बता दो x सेंटर ऑफ मास क्या बोले थे सर, m1 x1 प्लस में m2 x2 बाई m1 प्लस में m2, गेन पढ़े थे। m1 कितना है, लेमडा एल, x1 कितना है, 0, m2 कितना है, लेमडा एल इंटू एल बाई 2, यहां तक ठीक है। अब बाई m1 कितना, लेमडा एल प्लस में लेमडा एल। देखो तो क्या अभी भी तुमको वही दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, एल बाई 4 दिख रहा है क्या सबको सॉल्व करने पर? अच्छा नहीं दिख रहा, लेमडा एल स्क्वायर बाई 2 बाई 2 लेमडा एल, लेमडा से लेमडा खत्म, एल से एल खत्म, हो गया ना लेमडा बाई 4 कि नहीं आया। वाई सेंटर भी अरे बोलो रे, एल बाई 4 नहीं आया रे, तो वही हम कह रहे हैं तुमको जो पता है उसे बना सकते हैं, एक जो हम ट्रिक बताए इससे तुम लोग बना सकते, लेकिन ये तब लगेगा जबकि सेम तरह का रोड रहे। अगर अगर हम इसी सवाल में हम थोड़ा ऐसे बना दे, इसी सवाल को ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। हेलो दिख रहा है ना तुम लोग को, हम इसी सवाल में अब हम क्या कर दिए, इसका इसका जो लेमडा है ये हम कर देते हैं 2 लेमडा और इसका करते हैं 3 लेमडा, ठीक है, और लेंथ एल ही है और इसका भी लेंथ एल है। अब कह रहा है बताओ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, अब तो हम नहीं कर सकते वो फॉर्मूला यूज, समझ में आया? तो पहले बताओ m1 का वैल्यू कितना होगा, इसका लेमडा इंटू एल यानी कि 2 लेमडा एल, यहां तक समझ में आया? और इसका कोऑर्डिनेट यहां होगा, इसका कोऑर्डिनेट यहां होगा, यानी l बाई 2 पर होगा, x तो 0, y में l बाई 2, यहां तक समझ में आया? और m2 कितना होगा, 3 लेमडा एल, l बाई 2 कॉमा 0। क्या अब हम निकाल सकते हैं क्या x सेंटर ऑफ मास, क्या हो जाएगा, 2 लेमडा एल इंटू 0 प्लस में 3 लेमडा एल इंटू एल बाई 2 बाय आई थिंक 5 लेमडा एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा ना अब अंशु, अंशु ऐसा होगा, अरे चलो ठीक, हरे शंकर का बैंड बज गया दिमाग का, टेंशन नहीं लो। अगर हम बोले कि इसके बारे में सोचना, इसका लेमडा दिया हुआ है, इसका 2 लेमडा दिया है, इसका 3 लेमडा दिया है, तो इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L और इसका लेंथ दिया है 2L, क्लियर है यहां तक? क्या बता सकते हो क्या कि पहले वाले का लेमडा L का कहां है कोऑर्डिनेट, लेमडा एल का कोऑर्डिनेट सबको पता चल रहा है, एल बाई 2, इसका एल बाई 2 कॉमा 0, इसका यहां पर आ जाएगा क्या सेंटर ऑफ मास, 0, L/2, इसका कितना 2 लेमडा एल का एक्स में 0, सॉरी एक्स में एल बाई 2, 0 ना जाएगा, 3 लेमडा इंटू 2L हो जाएगा क्या इसका लेंथ, और x तो कोऑर्डिनेट l और y कोऑर्डिनेट l, क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या हम सॉल्व करें, क्या आगे सॉल्व हो जाएगा सबसे? अरे बोलो रे पापी सर, क्या रहा है, क्या बात कर रहे हैं, सही में रहे सबको क्या, क्या सबको दिक्कत आ रहा है? हेलो आप ठीक है? चलो देखो ध्यान से, देखो यहां पर ये सिग्मा दिया हुआ है और ये 2 सिग्मा दिया हुआ है ना, पहले सिग्मा सिग्मा ही रहने देते हैं ना, बाद में तुम लोग को दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।
ये भी सिग्मा दिया हुआ है, ये भी सिग्मा दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका रेडियस दे दिए, ठीक है आर, और इसका रेडियस दिया हुआ है आर बाय टू। कह रहा है कि अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना है। तो क्या तुम लोग को दिख रहा है क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या तुम लोग को दिख गया इसका वजन कितना होगा? तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ। इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना? जीरो जीरो। और दूसरे कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई आर बाय टू का होल स्क्वायर होगा। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स में आर प्लस आर बाय टू होगा, क्या वाई में जीरो। क्या ये समझ में आया सबको? अरे बोलो जी सोनल, ये समझ में आया सब लोग को? एरिया एरिया में है ना, इस बार वजन एरिया में है ना, तो सिग्मा यूज कर लेंगे। क्या अभी हम निकाल दें कि तुम लोग से बन जाएगा? क्या इसके बारे में अब क्या ख्याल है? देखो ये सिग्मा दिया हुआ था, सुनना ध्यान से, ये सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये रेडियस आर है और ये भी आर बाय टू से हटा दिया गया, ये रिमूव्ड पार्ट है। क्या ये रिमूव्ड पार्ट है। अब रिमूव्ड पार्ट है कैसे डील करेंगे? तो हमको पता है कि देखो हम ऐसे सोचेंगे इसको कि पूरा में से इतना हटा दिए, तो पहले पूरा वजन कितना था? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर था कि नहीं था? अरे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है क्या? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो जीरो। और दूसरे कितना है? सिग्मा पाई आर बाय टू का होल स्क्वायर। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना? आर बाय टू कॉमा जीरो। कि नहीं होगा? अच्छा बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है? कि एक्स पर ही होगा क्या? क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन तो एक्स दिख रहा है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? सुनना ध्यान से, एम वन एक्स वन में से घटा देंगे, क्योंकि घटा है ना, रिमूव कर दिए ना, इसलिए घटा देंगे। इसी को बोलते हैं निगेटिव मास, है ना? क्या बोलते इसको? या फिर सही समझ लो, जो घटा दिए मतलब जो रिमूव कर दो उसका वजन घटा दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? एम टू एक्स टू बाय एम वन माइनस में एम टू। यहां तक क्लियर है सबको? ये लाइन समझ में आया? अगर जोड़ रहे थे चीजों को तो ऐड कर रहे थे, घटा रहे तो काट दिया, तो घटा देंगे धर करके। तो वजन तो तुमको पता है कि सिग्मा पाई आर का स्क्वायर इंटू जीरो माइनस में सिग्मा पाई आर का स्क्वायर बाय फोर इंटू आर बाय टू बाय सिग्मा पाई आर का स्क्वायर माइनस में सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय फोर। याद है? ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसका कि हम सॉल्व करें? अरे सॉल्व हो जाएगा ना। अच्छा सॉल्व कर देते हैं लो, सिग्मा और पाई आर स्क्वायर तो कट ही ना जाएगा जी, तो बच गया क्या? आर बाय एट माइनस में, अब बाय नीचे में हो गया वन माइनस में, यानी कि आर चार माइनस में वन बाय फोर, है ना, फोर टू जा एट, तो माइनस में आर बाय सिक्स। सही लिखे क्या? क्या सबको दिख रहा है? अरे बोलो जी हाँ। इस वाले में देखो क्या करना है, ये सिग्मा है, फिर से देख लो, सिग्मा दे दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ ए, इसका रेडियस दिया है बी। क्या करेंगे? क्या सबको फील हो गया क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए क्या? अरे बोलो जी हाँ, घटेगा ही ना। तो पहले का वजन कितना लिखोगे? पहले का वजन कितना लिखेगा? सिग्मा इंटू पाई बी का स्क्वायर होगा क्या? का आधा, एरिया तो आधा हो जाएगा ना, पाई बी स्क्वायर का आधा। का सेंटर ऑफ मास कहाँ? अच्छा याद है डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? फोर आर बाय थ्री पाई होता है क्या? अरे पता है ना डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? 4b बाय 3 पाई हो जाएगा बाहर, ये जो अगर पूरा लेते तो, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x में 0, y में 4a बाय 3 पाई हो जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? लोकेशन लिख रहे ना भाई, इसका सेंटर ऑफ मास, अगर अगर सोच के देखो, अगर हम ये पूरा का पूरा डिस्क लिए होते तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता? 4b by 3 pi। अरे इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ, और ये जो खाली की है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। क्या यहाँ दिख रहा है क्या? अरे तुम लोग का दिमाग में उड़ गया ना 4b by 3 pi, क्योंकि रेडियस है ना r, यहाँ b है।
और ये ले तो जाएगा 4a/3π। ये किसका है? ये 4a/3π किसका? इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो हम हटा दिए हैं, और 4b/3π किसका? ये जो बाहर वाले का जिसको कि हम रखे हैं। कितना हमें, कितनों को नहीं समझ में आया बात? आया? अरे बोलन जी हाँ। तो y सेंटर ऑफ मास क्या लिखाएगा? m1 y1 माइनस में m2 y2 / m1 माइनस में m2। कैसे लिखें क्या? सिग्मा पाई बी स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई के जगह पे 4b/3π माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 4a/3π और m1 माइनस में m2 सिग्मा पाई बी का स्क्वायर बाय 2 माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 2। क्या सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर? अरे बोलो जी। क्या करना चाहिए इसमें? जोड़ देना चाहिए क्या? इसका सिग्मा दिया हुआ है, इसका 2 सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है 2a, ऑब्वियसली इसका रेडियस भी a होगा। क्या सॉल्व कर लोगे हम बना दें? यस सर, बना तो दीजिए ही ना। यहां तो ठीक है, सिग्मा इंटू, देखो अगर ये 2a है तो सिग्मा एरिया कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका 2 सिग्मा इंटू पाई a का स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ रहा है अंशु बाबू? एक्स कोऑर्डिनेट a और a, 2a हो गया, हाँ 2a,0। क्या ये बन जाएगा? क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखो क्या करना चाहिए इसमें, हटाना चाहिए ना, रिमूव कर दे रहा है सेक्शन को, है ना। तो ये सिग्मा है दिया हुआ, ठीक है, और ये लेंथ मान लेते हैं कि 4a दिया हुआ है, ऐसे करके अगर इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा, क्या करना चाहिए? सिग्मा इंटू 4a का होल स्क्वायर का कोऑर्डिनेट 0 0, जो काटे हो इसका, ये अगर ये 4 है तो ये 2a, ये a हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये भी a। यहां तक सबको समझ में आ रहा है नवाजीस? सिग्मा पाई ए स्क्वायर, हाँ ये सब देख लेना, ये सब तुम लोग को पूछेगा ही है नंदिनी, ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक्स सेंटर ऑफ मास भी निकलेगा और वाई सेंटर ऑफ मास भी निकलेगा, इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, m1 x1 - m2 x2 / m1 - m2। खुशी दोनों है कि रहे, भाग गई। हाँ ठीक है, डटे रहो, ठीक है, अब तो आसान हो गया ना। देखो इसमें क्या है, एक पूरा का पूरा इमेजिन करो कि एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, दिख रहा है क्या? उसमें से इस हिस्से को उड़ा दिया गया है, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी, स्क्वायर माइनस में सेक्टर कह सकते क्या, है ना जी? और स्क्वायर का वजन कितना हो जाएगा अगर हम रेडियस आर कर दे तो? स्क्वायर का वजन तो सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर, अरे होगा ना जी। सोनल तुमने मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है रे, सोनल क्या दिक्कत है, छोड़ दें, दिक्कत है तो बता दो क्या दिक्कत आ रहा है, हम तेजी से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करें, हम उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग के दिमाग में जा रहा होगा। अरे ये सब क्लास 10th में बनाए थे ना सवाल, स्क्वायर में इतना काट दो उसी तरह सेंटर ऑफ मास निकाल रहे सबका, ठीक है। तो हम ऐसे सोचे क्या कि पूरा का पूरा ये जो बॉडी है स्क्वायर में से इसको काट देंगे, अब स्क्वायर का एरिया कितना? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, ऐसा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो ये देखो कोऑर्डिनेट, ये r/2 और ये भी r/2, क्योंकि स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास पीछे में होगा कि नहीं होगा, और सेक्टर के लिए क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू पाई आर का स्क्वायर का आधा, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा ना, इसका इसका इस वाले का हिस्सा का एरिया,
होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, याद है इसका सेक्टर का 4r/3π होता है ना, तुम लोग निकाले थे क्या सवाल इसका, अगर 90 डिग्री करते तो? तुम लोग याद रखना इस चीज का, अगर सुनो सुनो ध्यान से, अगर हम इसका निकाल रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर, कहाँ पर, तो 4r/3π इधर से भी या 4r/3π इधर से भी, एकदम सेम आता है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी हो गया 4r/3π और कॉमा हो गया 4r/3π, सॉल्व करके चेक कर लेना, तुमको यही आएगा क्या, अब तो बनेगा ना, क्या अब बनेगा उसी m1x1 - m2x2 / m1 - m2, है ना, y भी निकलेगा इसमें m1y1 - m2y2 / m1 - m2, देखो ध्यान से। इस वाले में क्या है, एक पूरा का पूरा ये सॉलिड कोन है, कौन है, सॉलिड कोन है ना, दिख रहा है ना, और नीचे में एक सॉलिड हेमिस्फीयर रख दिया गया है, आई थिंक तुम लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, अरे बोलन रहा, अब तो दिख रहा है ना तुम लोग को, क्या ऐसा ही फोटो है क्या, इसका जो हाइट दिया हुआ है ये दिया है 2r, कितना दिया हुआ है 2r, इसका रेडियस दे दिया r, और ये भी रो है ये भी रो है, क्या करना चाहिए बताओ। तो पहले कोण के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका वजन होगा ना, अब वॉल्यूम कितना होता है 4/3, सॉरी 1/3π r का स्क्वायर इनटू h, h कितना है 2r, ये ना जगह, और इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम यहीं पर x y बना दें ऐसे करके, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना था अभी याद है, h/4 था क्या, देखो यहाँ सॉलिड कोन का क्या था, h/4 था ना सॉलिड कोन का, देखो ध्यान से बॉटम से, बॉटम से था h/4 है ना, और उसी तरह से अगर हम निकाल दें, इसमें जोड़ेंगे ना, हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 2/3π r³, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में 0 और y में, यहां से कितना नीचे था याद है, कितना 3r, हाँ, 3r/8, अब बाकी तो तुम लोग को पता है कि x नहीं निकलेगा यहाँ, y सेंटर ऑफ मास से निकलेगा, तो वो तो कर जोड़ देंगे ना, m1y1 + m2y2 / m1 + m2, क्या सबको समझ में आया, यही बन जाएगा आप सही से, क्या ये वाला बनेगा, देखो तो हेमिस्फेयर में से कोण उड़ा दिया गया है, ये तो बन जाएगा ना, ये रेडियस r है और ये रेडियस 2r है ना, यहां से क्या है हेमिस्फेयर में कोण उड़ा देना है, क्या हम बनाए कि तुम लोग बना लोगे, बन जाएगा ना, अच्छा सॉरी r/2 है, r/2 है, ये r/2 है और ये r है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था हम अपने मन से कर लेते हैं, चलो ठीक है, जाता है, क्या ये हमको बनाना चाहिए, बन जाना चाहिए ना, अब तो तुम लोग से एकदम उड़ जाएगा ये सब सवाल, अंशु नवाजीस बन जाएगा, देख लो ये से ये हिस्सा बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा जी, अरे हाँ ट्राई कर लेना, ये सब तो हम बता चुके थे अगला क्लास में, पिछले क्लास में, और ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है, और ये देखो यहाँ पर से ये सब बन जाएगा, ये सब तुम लोग के लिए टास्क दे रहे हैं, तुम लोग बन जाना, तुम लोग से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना,